अस्सलामु अलैकुम, वेलकम करते हैं हम अपने चैनल सॉल्ट एंड चिलीज में। आज हम बना रहे हैं आपके लिए डाइट सैलड। डाइट सैलड बनाने के लिए जो हमने सब्जियां ली हैं वो आप नोट कर सकते हैं। एक गाजर ली है हमने, उसको छील कर साफ करके हमने धो ली है। बंद गोभी, प्याज एक अदर लिया है हमने, शिमला मिर्च, रेड मूली, चुकंदर एक अदर, टमाटर एक अदर, नींबू लिया है हमने, ये भी हम एक से दो डालेंगे इसके अंदर, मूली, सलाद के पत्ते और खीरा। जी, सबसे पहले हमने एक बॉल लिया है और एक मूली ली है हमने। हम उनकी एक सी हम जो है वो शेप बनाएंगे सलाद की। इस तरह से हम उसको काट लेंगे। इस तरह। और हम एक कटिंग के लिए एक लेंगे कटर, और उस कटर के साथ हम एक सी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह। ये आप देख सकते हैं। इसको हम दोबारा से कट लगाएंगे। फिर हम इसको काट लेंगे। जी, अब हमने एक खीरा ले लिया, उसकी भी इसी तरह से हमने शेप में काट लिया उसको भी, और इसको भी इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे, क्रश कर लेंगे इसको। देखें, इसको भी हमने काट लिए। अच्छा, इस तरह क्रश कर सकते हैं इसके साथ या इस तरह काट सकते हैं। और अब हम लेंगे गाजर। ये देखें, इसकी भी हमने इसी तरह से शेप बना ली है। तो इसको हम और अब हम लेंगे बंद गोभी। और इसके बाद हम लेंगे प्याज, ऑनियन। इसको हम गोली शेप में काटेंगे क्योंकि इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है गोली में, इसलिए हम इसको गोली लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे टमाटर। टमाटर हम इस तरह से काटेंगे और इसके अंदर हम डाल लेंगे सलाद के पत्ते। सलाद के जो पत्ते हैं वो हम इस तरह और अब हम इसके अंदर जो क्रश करेंगे वो है
रेड मूली, ये इसको हम कर लेंगे। ये देखिए लेंगे चुकंदर, हम इसमें लास्ट में डालेंगे लीमू दो अदर, इनको हम निचोड़ देंगे इसमें। और इसके अंदर हम डालेंगे शिमला, उसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह से। हमने इसमें शिमला काट लिया और बराबर जो हमने वो शेप में सारी सैलड जो है वो काट लिया। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे नमक, और इसकी हम करेंगे मिक्सिंग। जी हमारी जो मज़ेदार सैलड है वो तैयार है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिश में डालेंगे। जी हमारी जो मज़ेदार फ्राइड पुआर है वो तैयार है, तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।